अमृतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। नमस्कार, मेरे पास ये दो फोटोग्राफ है, रवि जैन और पवन कौशिक, दोनों यंग फोटो हैं। अब मुझे ये मालूम करना है कि इनमें से कौन सरवाइव कर रहा है और कौन अब नहीं है। इनमें से एक इस संसार में है और एक इस संसार में नहीं है। तो अब देखना यह है कि हम कैसे पता करें इसके बारे में। बहुत से लोग होते हैं घर से मिसिंग होते हैं और कई सालों तक उनका पता नहीं चलता। उनके बारे में परिवार के लोग तरह तरह की कल्पना करते हैं और इधर उधर पूछताछ करते हैं। कोई बताता जीवित है, कोई बताता कि मर चुका है। तो इस तरह का जो है एक प्रकार का संदेह सा बना रहता है। इस तरह का जो संदेह है उसको क्लियर कैसे करें, तो सबसे पहले हम डाउजर का प्रयोग करेंगे। ये जो डाउजर है, इस डाउजर से हाँ और ना में उत्तर मिलेगा। ये क्लॉकवाइज आंसर जो है हाँ में और एंटी क्लॉकवाइज का आंसर जो है वो नो में है। तो पहला ये सवाल है कि ये जो रवि जैन जी हैं, क्या ये जीवित है? एंटी क्लॉकवाइज दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि जीवित नहीं है। अब मैं पवन कौशिक जो इनका नाम है, क्या ये जीवित है? यहां एक क्लॉकवाइज दिखा रहा है। ये जीवित है। एक माध्यम ये हो गया चेक करने का। हमने ये चेक किया डाउजर के माध्यम से कि नॉट सर्वाइव और सर्वाइव, ये है और ये नहीं है। दूसरा जो मेथड है वो है लेकर एंटेना से चेक करने का। लेकर एंटेना को हम यहाँ पे रखते हैं मास्क को, और राइट होल पे केबल लगा के इसके आर्म्स को ब्लॉक करके 3.3 फ्रीक्वेंसी पे इसको पहले न्यूट्रलाइज करते हैं। अब उसके बाद जो है इसका आंसर का एक मोड चेक कर लेते हैं कि यस आंसर, तो यस में ये इधर जाएगा, और नो आंसर, तो नो में कोई मूवमेंट नहीं आएगी। अब ये फ्रीक्वेंसी हम ले लेते हैं टू फ्रीक्वेंसी, ये इंडिकेट करती है डेथ को। तो हम जो है टू फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हैं। तो टू फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट कर रही है डेथ की, इसमें है कि नहीं, यस है नो। तो ये टू फ्रीक्वेंसी ये दिखा रही है डेथ की, यस में दिखा रही है। ये लेकर एंटेना टू फ्रीक्वेंसी पे सेट किया हुआ है। टू फ्रीक्वेंसी इंडिकेट्स डेड, और इसका अगर ये नीचे गिरता है तो इसका मतलब यस, यानी व्यक्ति सरवाइव नहीं कर रहा है। नहीं गिर रहा है तो इसका मतलब व्यक्ति सरवाइव कर रहा है। इसमें कोई मूवमेंट नहीं आ रही है, इसका मतलब ये व्यक्ति जो है सरवाइव कर रहा है। तीसरा जो मेथड है वो है आपका ऑरा स्कैनर के माध्यम से चेक करने का। ये भी मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी बेस्ड डिवाइस है, इससे हम चेक कर सकते हैं। और एक तरह का ये सबसे लेटेस्ट डाउजिंग टूल भी है। तो ये मास्क को हम फोटो के पर रख करके, हार्ट चक्र पर रख करके स्कैनर को हम तैयार कर लेते हैं। स्कैनर को तैयार कर लिया,
और जैसे सैंपल लगाते हैं वैसे ही रीडिंग आएगी इसमें। तो अब इसमें हम जो है एक सैंपल आता है डेड का, डेड एनर्जी, डी एनर्जी, ये वाला सैंपल लगाते हैं। ये राइट को आएगा तो डेड एनर्जी यस, लेफ्ट जाएगा तो डेड एनर्जी नो, और यदि अपने आप खुल गया तो ये मतलब जो है 100% मतलब जो है डेड एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है। तो ये मैं रवि जी को स्कैन कर रहा हूँ डेड एनर्जी, तो ये अपने आप खुल गया, इसका मतलब 100% एडजस्ट कर रहा है, यानी ये व्यक्ति अब नहीं है। स्कैनर के माध्यम से भी चेक हो गया। अब यही चीज मैं यहाँ पे लाता हूँ पवन कौशिक जी के फोटोग्राफ पे और इसको, तो ये डेड एनर्जी वाला सैंपल नो में चला गया कि नहीं है। अब ये क्लियर हो गया कि पवन कौशिक जी जीवित हैं और रवि जैन जी जीवित नहीं है। अब मैं जो है ये चेक करके पूछता हूँ जिन्होंने ये फोटो भेजी है दूसरे बना के। मैं इसकी वीडियो बना रहा था, ये जो वीडियो बना रहा था मैं ये दिखाना चाह रहा था कि अगर हमारे पास फोटो आती है तो हम कैसे पता करेंगे कि ये आदमी जीवित है और ये मृत है। तो इसलिए आपसे दो फोटो मंगाई थी और आपको ये कहा था कि भाई बताना मत मेरे को। तो अभी मैंने ये जो है डाउजिंग से, लेकर एंटेना से और ऑरा स्कैनर से, तीन अलग अलग मेथड से चेक किया, तो उससे तीनों से एक ही रीडिंग आई है। तो रवि जैन जी सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, पवन कौशिक जी सर्वाइव करते हैं, करेक्ट है ये, करेक्ट है ना? हाँ तो बस, हाँ तो भाई ये इसका मतलब ये जो मेथड है बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर कोई आदमी मिसिंग हो तो उसको हम एकदम चेक कर सकते हैं, जो थोड़ा सस्पेंस में रहते हैं कि भाई जीवित होगा या नहीं होगा, तो ये मेथड जो है बिल्कुल प्रॉपर है। ओके शुक्रिया जी, शुक्रिया। तो अभी मैंने हमारे एक जानकार हैं उनसे मैंने फ़ोटो मंगाई थी और मैंने उनको यही रिक्वेस्ट किया था कि बताना नहीं है मुझे, मैं अपने लेवल से चेक करूंगा। और उन्होंने इस बात की पुष्टि कर ली है कि रवि जैन जी ये सर्वाइव नहीं कर रहे हैं और ये जो है सर्वाइव कर रहे हैं, तो ये पुष्टि हो गई है। और ऐसे और भी बहुत सारे जिनको हम नहीं जानते हैं, उन फोटो पे हम उसको रिसर्च करके और प्रैक्टिस करके, देख करके, चेक करके ये इस थ्योरी को कन्फर्म कर सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के बारे में जानकारी ली जा सकती है कि वो व्यक्ति सर्वाइव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर जो मिसिंग है तो मिसिंग पर्सन के लिए, जो कई सालों से मिसिंग है उसके लिए बहुत ही उपयोगी विधा है ये जानने का कि वो व्यक्ति है इस संसार में या नहीं है। तो इस तरीके से आप लेकर एंटीना से या डाउजर से या फिर जो ऑरा स्कैनर से ये तरीके से चेक कर सकते हैं और तीनों से एक ही रिजल्ट आता है। ओम शांति।